काफी ज्यादा इनको इंटरेस्ट है इंडिया के बारे में जानने के लिए और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फाइनली अब हम फैंटेसी वर्ल्ड जो झूला है उसके तरफ जा रही है ये वाला, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन लगा है। फैंटेसी वर्ल्ड इस पे हम लोग जाने वाले हैं और यहाँ पे बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं। पहुँच गए यहाँ पे फैंटेसी वर्ल्ड के पास और रेहान भाई है और यहाँ पे ये भाई है, इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इंडिया के बारे में जाने के लिए। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ये भाई हैं जो मतलब पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ भी सारा झूला झूल रहे हैं ये सब तो आपको पे करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ये सारे चीज़ में ये पूछ रहे हैं। और ये है फैंटेसी वर्ल्ड जिस पे हमें जाना है और एक बार में 16 को ही ले रहा है, तो हम पिछले 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत घबराहट हो रही है भाई, मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने, मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा भी मतलब लाइक बहुत डर लगता है रियली, मेरे लिए पर्सनली लाइक मैं बहुत डरता हूँ। जैसे ये रोटेट होता है थोड़ा बहुत सर में दर्द होने का, थोड़ा एकदम से ये मतलब 45 डिग्री पे रोटेट हो जा रहा है। सो चलिए गाइज, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ये फैंटेसी जो वर्ल्ड है ये कैसा है, ये झूला नाम यार अजीब है, फैंटेसी वर्ल्ड है इसका झूला, डिज्नीलैंड में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। मैंने कजाक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, मुझे तो लगता था ये फ्री फॉल ऐसा कुछ करके है। लोग है जो यहाँ पे मतलब मैनेज करता है, अभी सबसे ऊपर यहाँ पे लोग चले गए, शायद से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, मुझे डर लग रहा है और शायद से मेरे लिए वो वाला चेयर था पर ये अभी ये लोग चला नहीं रहे। मैं इस पे देखो चलने के बाद कितना ज़्यादा ये एकदम से 45 डिग्री पे थोड़ा सा कर्व बन जा रहा है, और इधर जो सामने था वहाँ पे कैसा टिकट काउंटर था, और ये चीज़ अलमाटी में भी था पर मैं डर के कारण नहीं कर पाया। सो अभी हमारे साथ बैठेंगे, इनके वजह से मैं एडवेंचर करना स्टार्ट किया हूँ और मैं ट्राई मारता हूँ कि कैसा रहता है। हमसे जो पहले वाले लाइन था वो लोग वहाँ पे चले गए, फिर देखते हैं। कार्ड चेक कर रहा है और मैं अपना कार्ड दिखा रहा हूँ, ये कार्ड है जिसके लिए 100 टेंगा पे करना पड़ता है जो INR में अप्रोक्स 20 रुपीज़ आता है, और इस झूला का जो टोटल कॉस्ट है फैंटेसी वर्ल्ड का वो 2500 टेंगा है जो INR में 490 है, पर बंदा 245 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। जो काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट है इंडिया के बारे में जानने के लिए और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और ये कजाकिस्तान के हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं, ये इंडिया के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि इनसे ट्रांसलेटर से बनाएं क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में आ रही है बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी भाई है कजाक जो ट्रांसलेट करके बात करना चाह रहे थे पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर दिया, तो मैं इनको बोला कि ठीक है हम पहले बाद में बात कर लेते हैं। और ये वाली जो ग्रुप है अब फाइनली हमारा टर्न आएगा, अब हम अंदर चलते हैं। जब फाइनली अब हम चलते हैं, यहाँ आ गए और बैठते हैं कि कैसा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लॉक लगा दिया ये, चलो गाइस बहुत ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पे ये टाइट लॉक लगा दिया, तो हम अब ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। और इधर में देखो सामने सारे लोग बैठ रहे हैं, तो बैठ गया और मुझे थोड़ा, रेहान भाई कैसा लग रहा है आप बताएं, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, स्टार्टिंग लग रहा है, ऐसा ना ऐसा हो जाए यार, मतलब ऐसा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इसका क्या सीन है, लॉक कर दिया ना पूरा अच्छे से। क्यूरियोसिटी भी और डर भी लग रहा है मुझे पर्सनली, मैं बता रहा हूँ, मैं वो मेदू पे था ना, वहाँ पे मेदू में वो फेरिस व्हील नहीं होता है राउंड वाला, उस पे बैठा, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं गाइस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा ऊपर वाला क्योंकि मैं मुझे अभी से डर लग रहा है, हार्ट बीट फास्ट हो गया है, बाकी पता ना मैं, मेरे पास उतना ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है डर वाला हार्मोन, तो हैप्पी हार्मोन भी रिलीज हो रहा है और ऐसे भी, चलो देखते हैं कि क्या होता है। बस मैं वीडियो यहीं पर अब ऑफ करूंगा। यहाँ के जो कजाक लोग है कितना ज्यादा एक्साइटेड है, इनको ये इनको जाने के लिए इतना ज्यादा दौड़ रही है, इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं। सो चलिए अब हम वीडियो बन, अब मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया जब इतना नीचे आया, जब सबसे टॉप पे था मेरा पर्सनली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो।